हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड फोटो एंड वीडियोस, यानी कि इस डिवाइस में फोटो एंड वीडियो हाइड कैसे करें। इस डिवाइस में आप फाइल मैनेजर और गैलरी एप्लीकेशन से फोटो या इंपॉर्टेंट फाइल हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम गैलरी एप्लीकेशन से फोटो हाइड करना सीखेंगे। यहाँ गैलरी ओपन करिए, इसके बाद ऊपर एल्बम्स में जाना है। इधर आप सिस्टम एल्बम छोड़ के दूसरा किसी भी एल्बम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एल्बम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हाइड ऑप्शन पे टैप करते ही गैलरी से ये एल्बम हाइड हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप कोई स्पेसिफिक फ़ोटो हाइड करना चाहते हैं तो एक एक करके फ़ोटो सिलेक्ट करिए। इसके बाद ऐड टू एल्बम में जाके एक एल्बम क्रिएट करना होगा। इस एल्बम का नेम दे देते हैं प्राइवेट फ़ोटो। फिर उन सभी फ़ोटो को इस एल्बम के अंदर मूव कर देंगे। दोस्तों एक नया एल्बम क्रिएट करने के बाद उस एल्बम को सिलेक्ट करके यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब हिडन फोटो एक्सेस करने के लिए थ्री डॉटेड लाइन पे टैप करिए, इसके बाद सेटिंग्स में जाना है। गैलरी सेटिंग्स के अंदर आपको व्यू हिडन एल्बम का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप हिडन फोटो को एक्सेस कर सकते हैं। अगर गैलरी में प्राइवेट फोटो शो करना चाहते हैं तो यहाँ से अनहाइड कर दीजिए। दोस्तों अब आपको सिक्योर तरीके से पासवर्ड डाल के फोटो एंड प्राइवेट फोल्डर हाइड करने का सेकेंड तरीका बताएंगे। यहाँ फाइल मैनेजर ओपन करिए। फाइल मैनेजर ओपन करने के बाद सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। यहाँ थ्री डॉटेड लाइन पे टैप करिए, इसके बाद क्रिएट फोल्डर। इस फोल्डर का नेम दे देते हैं ABC फोटो। आप क्या करेंगे, जिन जिन फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट वगैरह हाइड रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके इस फोल्डर के अंदर मूव कर देंगे। तो पहले सिलेक्ट करिए, इसके बाद मूव, नेक्स्ट इंटरनल शेयर स्टोरेज, इसके बाद फोल्डर सिलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए। दोस्तों जिन तस्वीरों को हम हाइड करना चाहते थे वो इस फोल्डर के अंदर आ गया है। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करिए, इसके बाद मोर पे टैप करेंगे। फिर आपके सामने मेक प्राइवेट का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम फोल्डर को प्राइवेट कर सकते हैं। अब मेक प्राइवेट पे टैप करिए, इसके बाद अपना प्राइवेट फोल्डर को सिक्योर करने के लिए प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना होता है। ये पासवर्ड लॉक स्क्रीन पासवर्ड से अलग रखना है, तो मैं अपने हिसाब से एक पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। नेक्स्ट उस पैटर्न को कॉन्फर्म करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आया है, एड MI अकाउंट टू बी एबल टू रीसेट पासवर्ड इन केस यू फॉरगेट इट। मतलब अगर आप फ्यूचर में इसका पासवर्ड भूल जाते हैं तब MI अकाउंट के जरिए बहुत आसानी से इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ेगा और सारे प्राइवेट फाइल डिलीट हो जाएंगे। यहाँ साइनिंग एंड ऐड पे टैप करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के तहत एक MI अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ जोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं नॉन नाउ करता हूँ। सिलेक्ट आइटम और प्राइवेट नाउ, मतलब हमारा फोल्डर प्राइवेट हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप दूसरा कोई भी फाइल या सिंगल फोटो वीडियो म्यूजिक मेक प्राइवेट करके हाइड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हाइड किया गया फोल्डर को एक्सेस करने के लिए इसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करके छोड़ देना है। उसके बाद सिक्योर पैटर्न ड्रॉ करके प्राइवेट फोल्डर ओपन कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी फोल्डर या फोटो अनहाइड करने के लिए उसे सिलेक्ट करिए, इसके बाद रिमूव पे टैप करना है। फिर फाइल मैनेजर के होम पेज पर उसको फोल्डर सिलेक्ट करके रिमूव कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरीके से अपना प्राइवेट फोटो हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। गैलरी एप्लीकेशन से भी सिक्योर तरीके से फ़ोटो हाइड होता है, मगर कुछ फ़ोटो और वीडियो हाइड करने के बाद MI स्टोरेज फुल हो जाते हैं, इसलिए फाइल मैनेजर से फ़ोटो हाइड रखना सबसे बेस्ट होगा। प्राइवेसी फोल्डर एक्सेस करने के लिए अगर आप प्राइवेसी पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करिए, इसके बाद राइट टॉप कॉर्नर पर एक सेटिंग्स आइकॉन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड बदल सकते हैं। शो पैटर्न, यहाँ से आप पैटर्न लाइन हाइड कर सकते हैं। इस तरीके से MI अकाउंट जोड़ सकते हैं पासवर्ड रिसेट करने के लिए। एडिशनल पासवर्ड के हिसाब से फिंगरप्रिंट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।